हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी प्लस थ्री टू सेमिस्टर रो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मुझे प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठार् सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित तो मुझे प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारु फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना कर सारी। प्लेलिस्ट आपण मैंने जाकि देखिपारे तो चलतु आलोचना करने आज विषय वस्तु। एटार आम दुईट पेपर अच्छे तृतीय और चतुर्थ पेपर। मुझे तृतीय पेपर यूनिट फाइव आलोचना करुच्ची। यूनिट फाइव प्रमुख वितर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री। भारतीय समाज रे परिलक्षित होता विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया गुड़िक संबंधी आलोचना करो। परिवर्तन प्रकृतिर एक अपरिवर्तनीय आवश्यक नियम अटे। भारतीय समाज यही सार्वजनीन और चिरस्थायी नियम व्यतिक्रम नुहे। पृथ्वीर एक सर्वपुरातन सभ्यता भाव भारतीय समाज विभिन्नता भित्तिक एक जटिल अटे। एहारो कठोर और अनमनीय सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था परिवर्तन को सहजरे बिना बाधारे ग्रहण करिबाकु देइ नथाए। किंतु समय क्रमे भारतीय समाज और एहारो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया और पद्धति रे अनेक परिवर्तन संगठित होइछि। परिवर्तन को मुख्यतः अनेक गुड़िए कारण और विभिन्न प्रभाव जो संभव हो पारी। विभिन्न कारण प्रक्रिया और प्रभाव गुड़िक भारतीय समाज कठोरता और अनमनीयता भंग करी भारतीय समाज सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक परी आनिबारी प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला। एही सब विभिन्न कारण प्रक्रिया और प्रभाव कारण भारतीय समाज रे एकाधिक और विभिन्न प्रकार परिवर्तन देखा देखा। भारतर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र रे देखा देखा परिवर्तन प्रक्रिया गुड़ी को सामाजिक विज्ञानी माने भिन्न भिन्न भावे व्याख्या करिसंती। किंतु भारतीय समाज और संस्कृति रे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र रे देखा देखा परिवर्तन अत्यंत धीर थिला। से जहा हेउ निम्नलिखित सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन गुड़िक भारतीय समाज रे परिवर्तन आनिछि। एक सांस्कृतिकरण। सांस्कृतिकरण एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया जहाँकि भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आनी थाए। यही सांस्कृतिकरण शब्दी सर्वप्रथमे प्रख्यात समाज विज्ञानी एम एन श्रीनिवासों द्वारा 1952 मसीह व्यवहृत होता। तांक मतरे जो प्रक्रिया द्वारा जड़े नीच हिंदू जाति जनता जनजाति किंबा अन्य अन्य समूह यार प्रथा आदर्श कर्मकांड एवं जीवनशैली एक उच्च जाति लोक तार प्रथा और कर्मकांड रे परिवर्तन आनी जाति स्तरीकरण रे उच्च प्रस्थिति उपभोग करिथाय। एमाने सेमानंकर पारंपरिक संगठित होता है। यह उभय सांगठनिक और स्थितिगत परिवर्तन को बुझाई थाए। श्रीनिवास प्रथमे एहाकु ब्राह्मणीकरण नामरे देइथिले। कारण लोक माने प्रथमे ब्राह्मण मानंको केवल अनुकरण करुथिले किंतु परे अन्य जातिर लोकंको मध्य अनुकरण कले। तेणु श्रीनिवास एहाकु ब्राह्मणीकरण रु संस्कृतिकरण को परिवर्तन कले। एहिपरि भावरे एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भावे संस्कृतिकरण समाज रे अनेक परिवर्तन आनी थाए। नेक्स्ट धर्म निरपेक्षता। सांस्कृतिकरण परि धर्म निरपेक्षता अन्य एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया
जहाँकि भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आनी थाए। धर्म निरपेक्षता शब्द टी धर्म निरपेक्ष शब्द रु आसी। धर्म निरपेक्ष अर्थ से ही जिनस जहाँकि धर्म सहित जड़ित नुह राष्ट्र धर्म सहित निजको जड़ित करिबाकु आमे धर्म निरपेक्षता बोली कही थाउ। यहा मुख्यतः धार्मिक धर्म निरपेक्षता को बुझाई थाए। एही प्रक्रिया रे जने व्यक्ति निज इच्छा रे धर्म ग्रहण करी थाए। एठारे राष्ट्र कौनसी निर्दिष्ट धर्म को समर्थन करी न थाए। एहा धर्म एहा मध्य धर्म प्रति अनास्था भाव को बुझाई न थाए। पाश्चात्य समाज संपर्क रे आसी भारत रे धर्म निरपेक्षतार विकास घटी तेबे जहा हेउ एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भावे एहा भारतीय समाज रे अनेक परिवर्तन आनी। नेक्स्ट आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण भारतीय समाज रो अन्य एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया जहाँकि भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आनी थाए। एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया भावे आधुनिकीकरण गोटे देशर सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक व्यवस्था परिवर्तन को बुझाई थाए। एही प्रक्रिया माध्यम रे एक कम उन्नत देश एक उन्नत देशर लक्ष्य गुड़ी आहरण करी थाए। मानविक क्षेत्र रे आधुनिक विज्ञान प्रयोग गुड़ी को प्रयोग को आधुनिकीकरण कहा जाए। अर्थनीतिक दृष्टिकोण रु आधुनिकीकरण शिल्प और कृषि क्षेत्र रे आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान कौशल प्रयोग को बुझाई थाए। एहा एक जटिल परिवर्तन प्रक्रिया को बुझाई थाए जहाँकि समाज रे प्रत्येक क्षेत्र रे देखा दे थाए। नेक्स्ट गणतांत्रिकरण। गणतांत्रिकरण अन्य एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया जहाँकि भारतीय समाज रे अनेक परिवर्तन आनी। एहा जोगु राजनीति क्षेत्र रे आधुनिकीकरण संभव होई। भारतीय संविधान रो मुखबंध घोषणा करी जे भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र अटे। गणतंत्र अर्थ लोकमानंकर शासन। एहा लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पाई एक शासन व्यवस्था। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ग्रहण करिबा दिन ठारु ही भारत रे गणतांत्रिकरण प्रक्रिया आरंभ होई। एही प्रक्रिया 1947 मसीहा ठारु आरंभ होई। एही प्रक्रिया जोगु भारतीय समाज रे अनेक परिवर्तन देखा देछि। गणतांत्रिक नीति उपरे प्रतिष्ठित साबाळक भोट व्यवस्था एही प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करिछि। गणतांत्रिक प्रक्रिया माध्यम रे सामाजिक समानता एवं आर्थनीतिक उन्नति आदि अनेक लक्ष्य हासिल करा जायछि। एही प्रक्रिया जोगु भारतीय समाज रे सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र रे अनेक प्रकार परिवर्तन संभव होई। भारतीय समाज रे उपरोक्त प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन जनित प्रक्रिया गुड़िक देखा दे थाए जहाँकि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था रे अनेक परिवर्तन आनी थाए। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय संस्कृति रो विभिन्न युगर परिवर्तन रो प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। परिवर्तन प्रकृतिर एक अपरिवर्तनीय और आवश्यक नियम अटे। प्रत्येक समाज परिवर्तनशील अटे। भारतीय समाज एक सार्वजनीन नियम व्यतिक्रम नुहे। परिवर्तन एही धारा भारतीय समाज प्रत्येक विभाग दिग और सामाजिक व्यवस्था को गभीर भाव प्रभावित करिथाय। परिवर्तनर प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव प्राय प्रत्येक युगर बा समाज रे संस्कृति को प्रभावित करी सेथिरे अनेक परिवर्तन आनी।
संस्कृति एक जटिल संप्रदाय जहाँकि ज्ञान विश्वास कला नैतिकता एवं मनुष्य समाजर एक सदस्य भाव ग्रहण करुथिबा गुणगुड़ी को अंतर्भुक्त करिथाए। अन्य अर्थरे संस्कृति मनुष्यर माध्यम जहाद्वारा से तार लक्ष्य हासिल करिथाए। मनुष्य होउछि केवल एकमात्र संस्कृति साधारण करिथिबा पशु किंतु भारतीय संस्कृति व्यापक और यह अनेक उपसंस्कृति को अंतर्भुक्त करिथाए। भारतीय समाज एक बहु प्राचीन समाज होइथिबारु एहार संस्कृति मध्य बहु प्राचीन। एही पुरातन भारतीय संस्कृति उन्नति बा विकासर विभिन्न सोपान देई अतिक्रम करिछि। विभिन्न युग काल बा उन्नतिर विभिन्न सोपानर भारतीय संस्कृति परिवर्तनर धारा द्वारा गभीर भावरे प्रभावित होइछि। संस्कृति परिवर्तनशील तेणु प्रत्येक युगरे केतेबेले द्रुततर होइछि तेबे जहा हेब जहा हेउ भारतीय संस्कृतिर उन्नति को आमे मुख्यतः तीन गोटी सोपान बा स्तर रे विभक्त करि पारिबा यथा प्राचीन युग मध्य युग एवं आधुनिक युग। संस्कृतिर उन्नतिर एही विभिन्न सोपान रे परिवर्तनर संस्कृति उपरे एक प्रभाव अनुभूत होइछि और सेथिरे की परिवर्तन देखा देइछि से सब को निम्न रे आलोचना करागला। प्राचीन युगरे भारतीय संस्कृति निम्न स्तर रे थिला। एही समय रे भारतीय संस्कृति अत्यंत पारंपरिक और गोपनीय थिला। लोके कौनसी प्रश्न न करी और बिना द्विधारे संस्कृति को मानुथिले। एही समय रे भारतीय संस्कृति सहजरे परिवर्तन को बा तार प्रभाव को ग्रहण करी करू नथिला किंतु एसबु सत्य परिवर्तन रो धारा एहाकु संपूर्ण प्रभाव मुक्त रखी नथिला। परिवर्तन रो विभिन्न प्रक्रिया रो प्रभाव किंतु एसबु सत्य परिवर्तन रो धारा एहाकु संपूर्ण प्रभाव रखु नथिला। परिवर्तन रो विभिन्न प्रक्रिया रो प्रभाव एहारो विश्वास व्यवस्था विभिन्न सांस्कृतिक लक्षण गुड़ी को प्रभावित करी थिला। एही परिवर्तन रो प्रभाव रे एही युगर संस्कृति एक नूतन रूप नेला। लोकमानंक विभिन्न आवश्यकता सह ताल देई संस्कृति रे केतेक संशोधन होइथिला किंतु एही समय रे संस्कृति उपरे परिवर्तनर प्रभाव खूब कम थिला। एही सब परिवर्तन जोगो प्राचीन युगर पारंपरिक संस्कृति रे केतेक उन्नति देखा देइथिला। संस्कृतिर एही उन्नत परिवर्तनर प्रभाव जोगो मुख्यतः संभव होइथिला। मध्ययुगीय भारतीय संस्कृति तार पूर्ववर्ती युग अपेक्षा केतेक परिमाण रे उन्नत बा विशुद्ध थिला किंतु ता सत्वे मध्य परिवर्तनर धारा और तार प्रभाव एही युग संस्कृति को गभीर भावरे प्रभाव प्रभावित करिछि। मध्ययुगीय रक्षणशीलता सत्वे संस्कृति क्षेत्र रे परिवर्तनर धारा पूर्व परि चालू रही थिला। परिवर्तन प्रभाव द्वारा प्रभावित होई अनेक सांस्कृतिक विश्वास कला नैतिकता आदि परिवर्तन होइथिला। मध्ययुगीय भारतीय संस्कृति रे एही सब परिवर्तन जोगु संस्कृतिर विकास धारा रे आउ एक नूतन सोपानर आरंभ हेबा परि प्रत्ययमान हेला। एही समय रे भारतीय संस्कृतिर विभिन्न क्षेत्र रे परिवर्तनर प्रभाव तीव्र भावरे अनुभूत हेला जहाँकि भारतीय संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र रे परिवर्तन आणिला।
संस्कृत क्षेत्र रे व्यापक परिवर्तन जोगु भारतीय संस्कृति विकासर आउ एक नूतन युगरे पदार्पण कला जहाँकि आधुनिक युग नाम परिचित हेला। एही समय रे भारतीय संस्कृतिर प्रत्येक लक्षण गुड़िकरे परिवर्तनर प्रभाव गभीर भावे अनुभूत हेला। परिवर्तनर धारा भारतीय संस्कृति प्रत्येक दिगकु प्रभावित करिथिला। सांस्कृतिक मिश्रण एही समय रे व्यापक रूप धारण करिथिला। विभिन्न प्रकारर संस्कृति ओ संस्कृतिर लक्षण गुड़िक मध्यरे आंत संपर्क जगु एक नूतन प्रकारर संस्कृति सृष्टि होइथिला। एही सब संस्कृति मिश्रण जगु भारतीय संस्कृति अधिक मुक्त ओ विशुद्ध होइथिला। फलरे पुराणा प्रथा परंपरा विश्वास ओ नैतिकता परिवर्तन नूतन प्रकारर प्रथा नियम विश्वास ओ परंपरा मान सृष्टि होइथिला। अष्टादश शताब्दी रे भारत रे औपनिवेशिक शासन द्वारा यार राजनैतिक सामाजिक और अर्थनैतिक संगठन दुर्बल हो जाइथिला। शिक्षा मध्य एहा द्वारा अवक्षयमुखी हेला। इंग्रेज माने भारत रे शिक्षानुष्ठान स्थापन करिबा पई दृढ़ पदक्षेप नेइथिले। भारतीय मानक ब्रिटिश सरकारक विभिन्न कार्य रे नियुक्ति करिबा पई वारेन हेस्टिंग 1781 मसीहारे कलिकतारे मद्रास स्थापन करिथिले। 1691 मसीहारे वाराणसी ठारे जोनाथ डनकन हिंदू मानक नीति नियम मध्य धर्म ओ साहित्य आदिर अध्ययन निमन्ते एक संस्कृति महाविद्यालय खोलिले। एहा द्वारा से यूरोपीय विचारपति मानक हिंदू सरकारी जगाइबारे साहाज्य करिथिले। परवर्ती समय रे इंग्रेज फरासी हिंदी ओ बंगला आदिर शिक्षा निमन्ते समाजर संस्कारक राजा राममोहन राय वाराणसी ठारे एक विद्यालय स्थापन करिथिले। 1813 मसीहारे प्रणीत शिक्षा सनंद निमन्ते किछि पूंजी विनियोग करिवार योजना ईस्ट इंडियन कंपनी करिथिला। इंग्लैंड को कर्मचारी मानंकु आनी भारतीय मानंकु सेही कार्यरे नियुक्त करले ताहार अधिक लाभदायक हेबो बोली कंपनी उपलब्ध करिथिला। प्राचीन भारतीय रचना गुड़ी करे अनुवाद करे भारतीय मानंकु से मानंकर समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा विषय रे सचेतन करिथिले। इंग्रजी शिक्षा द्वारा देश रे विज्ञान वैषयिक तथा राजनैतिक चिंताधारा रे एक सकारात्मक परिवर्तन सृष्टि होइथिला। बंगर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ओ सार विलियम जोन्स को द्वारा 1785 ख्रीष्टाब्दरे प्रतिष्ठित बेंगल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा पाश्चात्य देश गुड़िक सहित संपर्क स्थापित होइथिला। अन्य यूरोपीय विद्वान माने संस्कृत भाषा शिक्षा करी भारतीय रचना गुड़ी को इंग्रजरे अनुवाद करिथिले। परवर्ती समय रे भारतीय साहित्य को उज्जीवित करिवार परंपरा को आर भंडारकर हरिप्रसाद शास्त्री एम जी रानाडे जदुनाथ सरकार को परी भारतीय विद्वान माने जारी रखिथिले। लेखनी और साहित्य मध्य भारत रे हिंदू और मुसलमान धर्म ठारो संपूर्ण भिन्न एक नूतन पाश्चात्य चिंताधारार प्रभाव देखाई थिला। पाश्चात्य दर्शनर जो मुख्य तत्व गुड़िक भारतीय को प्रभावित करिथिला ताहाला युक्तियुक्त चिंताधारा
ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ତରୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନତା ସର୍ବଜନୀନତା ଜାତି ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ତରୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ଆହରିତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକତାର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ଗତିରୋଧ କରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣର ଜୀବନ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛି। ଆଧୁନିକତା ଓ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୌଦ୍ଧିକତାବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ 1950 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ବା ସୋପାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ସଂସ୍କୃତିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। 1852 ମସିହାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ M.N. ଶ୍ରୀନିବାସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମହୀଶୂରରେ କୁର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କୁର୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜାତି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୀଚ ତଥା ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜାତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରାଯାଉଥିଲା ବା ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ଆଦିର ମାପକାଠିରେ ଏହାକୁ ମପା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ M.N. ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଜାତିପ୍ରଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ବା ଅନମନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଥାରେ ସବୁ ଜାତିର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସମାଜର ସ୍ତରୀକରଣରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ନିଶାପାନ ନ କରି ନିରାମିଷ ଆହରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏକ ପିଢ଼ି ବା ଦୁଇ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସ୍ଥାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂସ୍କୃତିକରଣ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନିମ୍ନ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ବା ଜନଜାତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସମୂହ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷ ଦ୍ୱିଜାତି ସଦୃଶ ନିଜର ପ୍ରଥା ଧାର୍ମିକ ବିଧି ବିଶ୍ୱାସ
आदर्श और जीवन रीति को परिवर्तन करी थांती। नेक्स्ट संस्कृतिकरण रो वैशिष्ट्य। संस्कृतिकरण केतेक वैशिष्ट्य रही ताहा पर पृष्ठ रे आलोचना करा गला। एक संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मण मानकर रीतिनीति अनुकरण मध्यरे सीमित नुहे, साधारणतः राजनैतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र रे स्थानीय प्रभावशाली जाति को निम्न जातिर लोक माने अनुकरण करिथांती। अधिकांश क्षेत्र रे एही स्थानीय प्रभावशाली जाति ब्राह्मण होइनथांती। नेक्स्ट जेऊ लोक माने जाति श्रेणी रे उच्च स्थान रे न रही मध्य राजनैतिक और अर्थनैतिक क्षमता अधिकार अधिकारी होइथांती सेमानंक क्षेत्र रे संस्कृतिकरण घटी थाए। नेक्स्ट अर्थनैतिक व्यवस्था रे उन्नति राजनैतिक क्षमता शिक्षा नेतृत्व प्राप्ति और सामाजिक स्तर रे उच्च स्तर रो अधिकार करिबार इच्छा आदि को नहीं संस्कृतिकरण प्रक्रिया प्रकाश लाभ करी थाए, यह विभिन्न अनुपात रे रही थाए। नेक्स्ट संस्कृतिकरण एक द्विमुखी प्रक्रिया, यह द्वारा निम्न जाति केवल उच्च जाति रु ग्रहण करी न थाए से मध्य उच्च जाति को किछि प्रदान करी थाए। नेक्स्ट संस्कृतिकरण व्यक्तिगत स्तर रे न हेले होई दलगत स्तर रे होई थाए, केवल जणे व्यक्तिर अनुकरण द्वारा यह संभव हुए नहीं। समग्र जाति जेतेबेले अन्य जाति को अनुकरण करे सेतेबेले यह संभवपर होइथाय। नेक्स्ट संस्कृतिकरण एक सांस्कृतिक परिवर्तन, यह जातिर सांगठनिक क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन आणे नहीं, यह केवल जाति प्रथा मध्यरे स्थाने स्थान रे परिवर्तन करी थाए। जाति गठन रे एहार कौनसी प्रभाव परिलक्षित हुए नहीं। नेक्स्ट संस्कृतिकरण प्रक्रिया मंथर, एथि निमन्ते गोटिए जाति को अनिर्दिष्ट समय पर्यंत अपेक्षा करिबाकु पड़ी थाए। एही समय मध्यरे सेही जाति को क्रमागत भावे तार दाबी उपस्थापन करिबाकु पड़ी थाए। एहार दाबी ग्रहणीय हेबा पाई गोटिए बा दुईटी पीढ़ी मध्य लगी थाए, केतेक समय रे एहार दाबी ग्रहणीय हुए नहीं, अथवा केतेक क्षेत्र रे एहा आंशिक भावे ग्रहणीय होइथाए। जदियो गोटिए जाति उच्च स्तर को जाई न पारिला तथापि मध्य सेमाने निजर नीच प्रवृत्ति अवलंबन गोमांस और मध्य आदि ग्रहण करिबा संगे उच्च जातिर रीतिनीति को ग्रहण करिथांती, तेणु एही प्रक्रिया अत्यंत लोकप्रिय। गतिशीलता जदि सब क्षेत्र रे रही पारि नाही तथापि एही प्रक्रिया अत्यंत लोकप्रिय होइछ। गमनागमन और जोगाजोग व्यवस्थार प्रसारण पाश्चात्यकरण आर्य समाज ब्राह्म समाज आदि धार्मिक आंदोलन औद्योगिकरण प्रसार हेतु संस्कृतिकरण प्रक्रिया त्वरान्वित होइछि। जोगाजोग क्षेत्र में विकास घटिथिबारु दूर तथा अगम्य अंचल लोक मानक मध्य संस्कृतिकरण व्यापक प्रसार घटिपारी। रेलपथ उड़ाजहाज रेडियो टेलीविजन छापाकल आदि विकास फल संस्कृतिकरण बेग सुगम हो। संस्कृतिकरण समीक्षा, अनेक गुड़िया संप्रदायर समाहार हेतु संस्कृतिकरण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया अटे। संस्कृतिकरण प्रक्रिया सांस्कृतिक परिवर्तन को व्याख्या करिथाय, मात्र संरचना भित्तिक परिवर्तन को विश्लेषण करिबारे एहा समर्थ अटे। संस्कृतिकरण केवल सांस्कृतिक परिवर्तन आनिथाय, जाति संगठन आदिरे एहा कौनसी परिवर्तन आनि देइ नथाय। एहा जाति प्रथा मध्यरे केवल स्थल विशेषरे परिवर्तन आनिथाय।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଅବଥ ଏହା କେବଳ ଆଦର୍ଶ ସମୂହର ଏକ ସଂଶୋଧିତ ରୂପ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜାତିଗତ ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିଛି ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହରିଜନମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜନିତ ଉନ୍ନତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ହରିଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ରୂପେ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା ଓ ଅସୂୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନୀଚ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୀମିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣର ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ନୀଚ ଜାତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସଂସ୍କାର ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ନିହିତ ଥାଏ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନ ସଞ୍ଚୟ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାକ୍ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂସ୍କୃତକୃତ ନୁହନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଅନୁକରଣୀୟ ଜାତି ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ବା ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଜାତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକାର ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସର୍ବଦା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକାର କରିବା ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପାଇବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦାବି କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦାବିର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏପରିକି ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀନିବାସୀଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନଥାଏ ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସାମାଜିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବାହାରେ ଥିବା ଜନଜାତି
किंबा अन्यान्य प्रजातीय समूह गुड़िक हिंदू जातिर परिसर भीतरकु प्रवेश करिबारे समर्थ होइछि, किंतु अस्पृश्य जाति माने सर्वदा अस्पृश्य होइ रही थांती। श्रीनिवासंक मतरे अस्पृश्य मानंक पई सामाजिक प्रस्थिति को उन्नति करिबार एकमात्र उपाय होउछि निजकु संस्कृति कृत करिबा संगे संगे निज जन्मस्थान परित्याग करी अन्यत्र पलायन करिबा। एही भौगोलिक गतिशीलता अजना स्थान रे एक उच्च प्रस्थिति लाभ करिबा दाबी को सहाय्य करि पारे, कारण सेठारे तांकर अतीत विषय रे केही किछि जानि नथांती। नेक्स्ट संरचनात्मक परिवर्तन। प्रोफेसर श्रीनिवास जाति संरचना को भित्ति करी संस्कृतिकरण प्रक्रिया को विश्लेषण करिसंती। सेही सामाजिक संरचना भितरे थिबा क्षमता एवं प्रवृत्त सहित एही प्रक्रिया को समन्वित करिबा पई प्रयास करिसंती। उच्च नीच क्रम रे थिबा जातिर विषम स्तरीय गतिशीलता प्रक्रिया परिवर्तनीय राजनैतिक व्यवस्था सहित संबंधित अटे। श्रीनिवासंक मतरे राजनैतिक परिवर्तन जोगु केतक प्रभावशाली जाति सेमानंकर निज समूह संगठन को दृढ़ीभूत करी किंबा राजकीय पृष्ठपोषकता द्वारा उच्च प्रस्थिति को गति करी थाए। सेहीपरि भावरे भारतीय इतिहास क्रमरे संस्कृतिकरण प्रक्रिया क्षमतार उत्थान पतन उपरे आलोकपात करी थाए। सुतरां संस्कृतिकरण भारतीय जाति संरचना को गभीर भावे प्रभावित करी सेथिरे वैप्लविक परिवर्तन आनी थाए। नेक्स्ट जाति प्रथा। पारंपरिक भावे भारतीय जाति प्रथारे अनेक प्रकारर कटकणा निषिद्ध एवं नियम रहिला। एही नियम एवं व्यवहार शैली प्रत्येक जाति पाई एक आदर्श रूपे परिचित थिला। एथिपाई गोटिया जाति अन्य एक जातिर जीवनशैली को अनुकरण करिपारे नाही, किंतु पाश्चात्यकरण प्रक्रिया रे नीच जातिर लोक माने उच्च जातिर लोक मानंकर व्यवहार प्रतिमान एवं जीवनशैली को अनुकरण करिथांती। अर्थात संस्कृतिकरण प्रक्रिया नीच जाति मानंकु समाज रे उच्च प्रस्थिति अधिकार देबा पाई पूर्ण सुजोग प्रदान करिथाए। सेहीपरि जेउ अंचल रे प्रभावशाली जाति थांती सेठारे एमानंकु श्रेष्ठ बोली ग्रहण करी अन्य जातिर सदस्य माने सेमानंकर नाम खाद्यपेय पोषाक परिच्छेद बासस्थान क्रियाकल्प तथा अन्यान्य अभ्यास और विश्वास पद्धति रे दृढ़ परिवर्तन आनी थाए। संस्कृतिकरण एक सरल तथा एकक धारणा नुहे, यह विशेषतः एक जटिल एवं विषम जातीय प्रक्रिया। यह बहुगुड़िए धारणा सहित संबंधित अटे। यही धारणा मान हेला जाति उच्च नीच क्रम आपेक्षिक विच्युतिकरण प्रत्याशामूलक सामाजिकीकरण राजनैतिक परिवर्तन पवित्र एवं निरपेक्ष मूल्यबोध इत्यादि। सुतरां संस्कृतिकरण प्रक्रिया एक प्रक्रिया नुहे, यह जटिल प्रक्रिया जहाँकि भारतर व्यापक ऐतिहासिक बलय मध्यरे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आनी थाए। क्वेश्चन नंबर 7। एबे मु वीडियो माध्यम रे देखिबे आपण माने नोट करिने बे, कारण सब गुडी के आलोचना करले वीडियो मते लम होई जीव। और धर्म निरपेक्ष उपरे एक विवरणी प्रदान कर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय समाज रे धर्म निरपेक्षीकरण रो प्रभाव संपर्क रे आलोचना कर।
आपण मैंने नोट करे भिड बहुत लक होगा तेणुक मुझे मध्यम देखा क्वेश्चन नंबर 9 भारत वर्षर राजनीति रे मिश्र संस्कृति रे प्रभाव विषय रे संदर्भ लेख पॉइंट 1 ऐतिहासिक आधार पॉइंट 2 भाषागत विभेदता पॉइंट 3 वंशगत व जातिगत विभेदता पॉइंट 4 धर्मगत विभेदता विश्लेषण क्वेश्चन नंबर 10 भारत वर्षर थिबा बहुदलीय सामाजिक व्यवस्था रे वैशिष्ट्य आलोचना कर जातिगत विभेदता 2 धर्मगत विभेदता 3 सांस्कृतिक विभेदता भाषागत विभेदता आंचलिक विभेदता विश्लेषण आज आलोचना समाप्त करुच्ची परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करी नमस्कार।